वही उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, और चुनौतियां भी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चुनौतियां भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी रीति नीति और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग जीतेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती होंगे, हम चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनौती